साथियों, इस बार लाल किले से मैंने सभी देशवासियों से पंच प्राणों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। इन पंच प्राणों की ऊर्जा जिस एक तत्व से जुड़ी हुई है वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर हमें अपने इस संकल्प को दोहराना है, श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म है, अर्थात राम साक्षात धर्म के यानी कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भगवान राम जब जिस भूमिका में रहे उन्होंने कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं, वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते, इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। और संयोग देखिए, हमारे संविधान की जिस मूल प्रति पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, संविधान का वो पृष्ठ भी मौलिक अधिकारों की बात करता है। यानी एक और हमारे संविधान अधिकारों की गारंटी, तो साथ ही प्रभु राम के रूप में कर्तव्यों का शाश्वत सांस्कृतिक बोध। इसलिए हम जितना कर्तव्यों के संकल्प को मजबूत करेंगे, राम जैसे राज्य की संकल्पना उतनी ही साकार होती जाएगी।